दुआ मांगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि तूने हमें दिया। हम तेरे से दुआ करते हैं प्रभु जी कि हम जब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तो तू हमें आशीषित कर और जो कुछ भी हम यहाँ पर सुनते हैं उसको अपनी ज़िंदगियों में अमल करने पाएँ पिता परमेश्वर। जो कुछ भी मैं बोलती हूँ प्रभु जी, तू मेरे मुँह में अपने वचनों को डालना ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ तुझ में होकर के बोल सकूँ प्रभु जी। तेरे ही मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबसे पहले मैं अपने रेवरेंड सुजीव दास, रेवरेंड मॉरिस पैट्रिक और रेवरेंड रमेश पाठक का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बाइबल के वचनों में से बता सकूँ। मैं WSCS की प्रेसिडेंट साहिबा मिसेस हेलेन जोसेफ और आप सभी बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं बाइबल में से कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आज का जो वचन पढ़ा गया हमारे सामने वो यूहन्ना 4 का उसके 4 बाब से 15 आयत तक और फिर 27 से 42 आयत तक आपके सामने पढ़ा गया। तो उसी में से मैं आज आपके सामने कुछ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे जो वचन में लिखा हुआ है वो एक सामरी स्त्री के बारे में बताया गया है। और सामरी स्त्री कौन थी? वो एक सामरिया नगर की रहने वाली थी। जो लोग सामरिया नगर में रहते थे उनको सामरी कहा जाता था, इसलिए इस स्त्री को सामरी स्त्री कहा गया। जब ये स्त्री आती है तो ये क्या देखती है कि प्रभु परमेश्वर भी जो बहुत थका हुआ था उस कुएं के पास बैठ करके विश्राम कर रहा था। तो ये स्त्री जब उस कुएं के पास आती है और अपने घड़े में पानी भर रही थी तो प्रभु ने उस स्त्री से पानी मांगा। यहाँ आप देखिए कि प्रभु ने उस सामरी स्त्री से पानी मांगा, जबकि प्रभु जो है वो यहूदी थे, लेकिन उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा, उन्होंने उस सामरी स्त्री से पानी मांगा। लेकिन आजकल हम लोग यूजुअली ये देखें तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग आपस में भेदभाव रखते हैं कि नहीं हम उससे ऐसा क्यों बोले, वो ऐसा इस लायक नहीं है कि हम उससे कुछ मांगे। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, प्रभु ने उस सामरी स्त्री से पानी मांगा। तो वो स्त्री बहुत आश्चर्यचकित होती है और वो कहती है कि हे प्रभु, तू मुझ सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगता है, क्योंकि तू तो यहूदी है और यहूदी लोग तो सामरियों से कुछ अपना व्यवहार भी नहीं करते हैं, तो तू मुझ सामरी स्त्री से क्यों पानी मांग रहा है। तो यीशु जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत आश्चर्यचकित तो नहीं होते, लेकिन वो प्रभु ही उसको ये समझाते हैं कि हे नारी, अगर तू ये जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे ये सवाल ना करती। जब प्रभु ने उसको ये बात कही तो उस स्त्री ने सोचा कि ज़रूर ये कोई परमेश्वर ही होगा जिसने मुझसे ये बात कही, कोई आम आदमी या साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उस स्त्री को जब ये बोला तो उस स्त्री ने ये कहा कि तेरे पास तो प्रभु कुछ है भी नहीं जिसमें कि मैं तुझे पानी दूँ। तो प्रभु ने उसको बोला कि तू किस पानी की बात करती है, मैं तुझे जीवन का वो जल दूंगा जिससे तू पी करके हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगी। हमेशा के लिए तृप्त होने का क्या मतलब है? हमेशा के लिए तृप्त होने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और हम अपने आपस के भेदभावों को मिटा देते हैं और जब हम प्रभु के पास नम्र होके आते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करते हैं। हमें ये विश्वास रखना चाहिए और ये मानना चाहिए अपनी निजी जिंदगियों में कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें हमेशा प्रभु से विनती करनी चाहिए और उससे आग्रह करना चाहिए कि प्रभु, हम कुछ भी नहीं हैं, केवल तू ही हमारा प्रभु है जो हमें दे सकता है। लेकिन जब हमारे मनों में ये भावना आ जाएगी तभी हम उससे मांग सकते हैं,
तभी हम उससे आग्रह कर सकते हैं कि प्रभु तू हमें दे। और यकीन मानिए, प्रभु अवश्य अपने लोगों को देता है। वो इतनी आशीषें देता है जिसको कि अगर हम अपनी जिंदगियों में मुड़ करके देखें तो बहुत अधिक है, जिसको कि हम गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें देता है। स्त्री से जब प्रभु ने पानी मांगा तो परमेश्वर ने उसको यही जवाब दिया। उसके बाद जब वो स्त्री प्रभु से ये बातें करके अपने जाती है वापस, तो एक बात तो पहली बात तो यहाँ पे ये था कि प्रभु ने उस भेदभाव को ख़त्म करा, अलग करा। दूसरी बात यहाँ पे ये है इस वचन में कि हमारे आत्मिक जीवनों के बारे में बताया गया है कि हमारे आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन जो है आत्मा और सच्चाई से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में भी ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। अगर हम अपने प्रभु की प्रशंसा या उसकी आराधना सच्चाई से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तभी परमेश्वर हमको आशीषित करता है। हमको ये समझना चाहिए कि जब हम कभी भी परेशान होते हैं या दुखी होते हैं, तभी हम परमेश्वर के पास आते हैं और उससे हम याचना करते हैं या उससे हम मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा प्रभु के आगे अपने आप को दीन करके मांगना चाहिए कि प्रभु, हम जानते हैं कि तू ही हमारा उद्धार करता है, क्योंकि प्रभु ने हमारे खातिर ही सलीबी मौत सही थी और हमारे ही गुनाहों के खातिर प्रभु ने अपनी जान दी थी। तो क्यों ना हम भी प्रभु के लिए कुछ करें, क्यों ना हम भी प्रभु की उन बातों से कुछ सीखें कि हम भी प्रभु के लिए कुछ कर सकें। हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए? केवल ये कि हम प्रभु की बातों को सुन करके और उसके वचनों को ध्यान से पढ़ करके उसके वचनों पे चलें, उसकी बातों को माने, ताकि प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए सिर्फ एक ही बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्रभु की घर में आते हैं या प्रभु की इबादत करने आते हैं, तो हमारा ध्यान केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम सिर्फ उसकी आराधना करें, हम केवल उसकी स्तुति करें। ये ना हो कि हम यहाँ पे बैठे तो हैं जिस्मानी तौर से, लेकिन हमारे ध्यान या हमारे विचार कुछ और है, हम कुछ और अपने मनों में सोचते हैं। ऐसा करना व्यर्थ है। अगर हम इस तरीके से यहाँ पे आके बैठते हैं और इस तरीके से अगर हम करते हैं, तो हमारा यहाँ आना और उसकी स्तुति और आराधना करना सब व्यर्थ है। इसलिए हमको सबसे पहले अपने आप को ये जांचना चाहिए कि क्या हमारी जिंदगियों में क्या कमियां रही या क्या बातें रही जिसकी वजह से हम प्रभु के नज़दीकी नहीं आ सके। हालांकि जब भी कभी किसी पे परेशानी होती है, तो हर इंसान प्रभु से पहले ये मांगता है कि प्रभु तू मेरी इस परेशानी को दूर करना। सब ये बात जानते हैं कि प्रभु एक ऐसा गडरिया है जो कि हमें मुसीबतों से या तकलीफ़ों से बचाता है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को भी मान लें कि जब हम प्रभु से मांगें या जब हम प्रभु से कुछ कहें, तो सिर्फ उसी से कहें। इंसान आपको दुनिया में कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हमारा जिंदा प्रभु है जो हमें सब कुछ देता है। इसलिए हम हमेशा प्रभु के पास आकर के उससे मांगें और उससे बोलें कि वो हमें आशीषित करे। तीसरी बात जो अभी इसमें आई है वो है हमारी जिंदगियों की गवाही। अभी हमारी कुछ बहनों ने भी गवाही दी थी, जिनके बारे में हमने सुना किस तरह से उन लोगों के जीवनों में गवाही आई और किस तरह से प्रभु ने उन लोगों को संभाला या आशीषित किया। हम सभी के जीवनों में कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जब प्रभु ने हमको कुछ आशीषित किया होगा या हमें किसी मुसीबत से या तकलीफ से या किसी चीज़ से उभारा होगा। क्या हमने उस चीज़ को पीछे मुड़कर देखा
या क्या हमने कभी उस चीज के लिए धन्यवाद किया? अगर नहीं किया तो अभी भी समय है कि हम आज से ही अपने प्रभु को अपना सच्चा परमेश्वर मान करके और अपनी सारी पुरानी बातों को छोड़ करके और आज से अपना नया जीवन शुरू करें और उससे मांगें कि हाँ परमेश्वर, तू ही हमारा सच्चा सेवक है और हम तेरे बच्चे हैं। केवल परमेश्वर ही हमको दे सकता है। जब कभी किसी विपत्ति में हम होते हैं तो हम हमेशा हमारे मुंह से निकलता है, हाय खुदा, ऐ खुदा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये विश्वास है और हम ये जानते हैं कि प्रभु ही हमको दे सकता है। हम जब परेशान होंगे तो हम ये नहीं कहेंगे ऐ पापा या ऐ माँ, हम हमेशा यही कहेंगे ऐ खुदा, क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि खुदा जो है, चाहे तुम कहीं पर भी होगे, अगर तुम उसको पुकारोगे तो वो अवश्य तुम्हें जवाब देगा, अवश्य तुम्हारी बात सुनेगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वो हमसे प्रेम करता है। तो जब हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो क्यों ना हम उससे प्रेम करने वाले बने, क्यों ना हम उसकी बातों को माने, क्यों ना हम उसकी बातों पे चलें। जब अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम परमेश्वर के भवन में आने के लायक हो सकते हैं और उसकी बातों को सुनने के लायक हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं होता है ये कि हम उसकी बातों को सुने, क्योंकि हर इंसान जो है अपने दुनियावी जिंदगियों में व्यस्त होता है और उस व्यस्तता के कारण कई बार ज़रूरी भी नहीं है कि रोज़ हम लोग बाइबल पढ़ लें या दुआ कर लें। लेकिन फिर भी प्रभु ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बिस्तर पे बैठ के या ड्राइंग रूम की कुर्सी टेबल पे बैठ के ही दुआ करें। दुआ करना, कहीं पे भी आप दुआ कर सकते हैं। आप अगर रास्ते में जा रहे हैं तो चलते चलते भी आप ये दुआ कर सकते हैं कि खुदा मेरी रहनुमाई करना। हम इतने विश्वास से दुआ करते हैं, जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं परिवार के साथ तो हम कहते हैं कि खुदा हमारी सफ़र को सलामती से ले जाना, ले आना। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक परमेश्वर है जो हमें हमारी अगुवाई करेगा, हमें सलामती से हमारे जगह पे पहुंचाएगा। तो मेरा कहना आप लोगों से यही है कि क्यों ना हम इस चीज़ को माने और इस चीज़ को जाने कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करें तो उसकी महिमा में होकर के और उसकी आराधना में होकर के करें। इस जो ये लेसन पढ़ा गया था इसमें तीन बातों का बयान किया हुआ है। पहली बात है भेदभाव। जिस तरीके से प्रभु ने सब भेदभाव मिटा करके उस सामरी स्त्री से मांगा, पानी मांगा, हालांकि वो ये भी कह सकता था कि ये सामरी स्त्री है और मैं यहूदी हूँ तो मैं इससे पानी क्यों मांगूँ। उस स्त्री ने भी यही सवाल करा था कि तू यहूदी मुझ सामरी से क्यों मांगता है। तो जब यीशु ने सारे भेदभाव मिटा करके और सब चीज़ों को ख़त्म करके उस सामरी स्त्री से मांगा, तो क्यों ना आज हम भी अपने सारे भेदभावों को ख़त्म करके और अपनी सारी बातों को ख़त्म करके उस सच्चे परमेश्वर से मांगें, क्योंकि देने वाला वही है। इस तरीके से प्रभु ने उस भेदभाव को ख़त्म किया। और उस स्त्री के बारे में भी यहाँ पे ये बताया गया कि जब वो स्त्री उस परमेश्वर की बातों को सुनती है तो वो अपने नगर को वापस लौट जाती है, घड़े को वहीं पे छोड़ देती है और अपने नगर को वापस जाती है और वहाँ पे जाके वो अपने सब लोगों को बताती है कि किस तरीके से परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई और कैसे उसका परमेश्वर से बातचीत हुई। तो जब उसने उन लोगों को बताया तो वहाँ पे जितने भी उस नगर में लोग थे सबने उसकी बातों पे विश्वास किया। ये विश्वास क्या है? उन्होंने देखा नहीं था, किसी ने नहीं देखा था कि वो सामरी स्त्री वाकई में परमेश्वर से मिली है या वो सिर्फ बता रही है, लेकिन उन लोगों ने उस पे विश्वास किया और विश्वास करके वो सभी लोग उसके साथ आए और आकर के उन लोगों ने उस परमेश्वर को देखना चाहा। तो जब वो सब उसके साथ आए तो उन लोगों ने उस परमेश्वर से बातचीत की और जैसा कि यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे जैसे कि 29 आयत से आगे हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसके जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। वो अपने लोगों को ये बताती है और ये कहती है कि देखो यही तो मसीह नहीं है, क्योंकि इसने सब कुछ मुझे बता दिया। उसने जब विश्वास किया तो ये देखिए कि उसकी एक बात के ऊपर जितने लोग उस नगर के थे, जितने लोग उस नगर में थे, सब लोग उसके पीछे पीछे आ गए, सिर्फ एक इस बात को सुन करके कि प्रभु से मुलाकात करी और प्रभु से उन्होंने मांगा। लेकिन आज हम लोगों को भी ये चीज़ अपनी ज़िंदगियों में मानना है और जानना है कि जब प्रभु हमें बुलाता है या प्रभु से हम मुलाकात करते हैं तो हम प्रभु से बड़े आदर और दीनता के साथ और बहुत ही हलीमी से उससे हम मांगें। अवश्य प्रभु हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और देता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जब वो हमारी ज़रूरतों को देता है और हमारी परेशानियों को दूर करता है तो हम उसके धन्यवाद करने वाले बन सकें और उससे मांगने वाले बन सकें। आगे जो इसमें दूसरी बात बताई गई थी वो आत्मिक जीवन है। पहला पॉइंट था भेदभाव और दूसरा पॉइंट है आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए हमारा? हम सभी जानते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है और हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। आत्मिक जीवन हमारा आत्मा से भरा हुआ और सच्चाई से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की महिमा करेंगे तभी हमको उसका फल मिलेगा। ये ना हो कि हम, कई बार ये होता है कि कभी कुछ होता है तो हम कहते हैं प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं ही तुझे मिली थी या कि मैं ही तुझे मिला था। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हमारे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म करना चाहता है इसलिए उसने हमारे साथ किया। इतने लोगों में उसने आप ही को क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो जानता है कि आप प्रभु के बच्चे हैं और आप प्रभु से चाहते हैं, इसलिए प्रभु आप ही लोगों को चुनता है। और जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और जब हम ये मांगते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हम प्रभु के पास आते हैं तो आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की बात को सुनें ताकि हमारे आत्मिक जीवनों में परिवर्तन हो सके। तीसरी बात है हमारी ज़िंदगियों की गवाही। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी गवाहियाँ होती हैं जो कि हम कभी सोचते हैं कि हम देंगे, लेकिन समय पे प्रभु हमें ऐसा मौका देता है। अभी भी हमने तीन बहनों की गवाहियाँ सुनी जिससे कि हमें ये सुनने में मिला कि प्रभु ने उनके जीवनों में किस तरीके से कार्य किया। प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमको अपने जीवनों को उसको देना चाहिए ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके। हमको अपना जीवन उसके आगे समर्पित करना चाहिए ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे और हम उसके बच्चे उसके कार्य में आगे बढ़ सके। अगर हम ऐसा नहीं करते तो प्रभु हमारे जीवनों में नहीं आ सकता। सबसे पहले हमको यही सोचना चाहिए और यही करना चाहिए कि हम अपना जीवन उसको समर्पण करें। किस तरीके से करेंगे? हम अपने जीवन का समर्पण उसकी बातों को सुन करके, उसकी बातों को अमल करके करेंगे। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं या दुआ करते हैं तो हमेशा हम यही कहें कि प्रभु तू ही हमारा सच्चा गडरिया है जिसके पीछे हम होना चाहते हैं। तो हम अपनी सारी बातें, सारी मुसीबतें, हर चीज़ जब हम उसके ऊपर डालते हैं तो वो हमें उसमें से निकालता है। अभी मिसेस मैसी ने भी जब गवाही दी थी तो उन्होंने उसमें यही बताया था कि कैसे वो जब बीमार थीं तो किस तरीके से वो परेशान थीं और कैसे उनको उस परेशानी से प्रभु ने निकाला और उनको इस लायक करा कि वो अपने सब कार्यों में सफल हो सकें। इस तरीके से हम सभी लोगों में कई बारी ऐसे अद्भुत कार्य होते हैं हमारी ज़िंदगियों में जिसको कि हम कई बार समझ भी नहीं पाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि कैसे हम उस परेशानी से निकल के बाहर आ गए। ये सब परमेश्वर का हमारे ऊपर हाथ होता है, परमेश्वर का हमारे साथ होता है, जो कि हम इस तरीके से या इस
परेशानी से निकल करके आते हैं। इसके लिए हम उसकी महिमा और स्तुति करना चाहिए हमें, और हमेशा सच्चे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ प्रभु, तेरे ही द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन आया, तूने ही मेरे जीवन को बदला। जब प्रभु हमारे जीवनों को बदलता है, उस वक्त हमारे पे बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हमारे में भी कई लोग ऐसे होंगे, जब कभी किसी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे तो प्रभु ने उनको संभाला होगा, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि कैसे हम उसमें से निकल के बाहर आ गए। कभी किसी के आपसी झगड़े होते हैं, कभी किसी की कुछ और बातें होती हैं, कभी बीमारी हो जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट या कुछ होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको संभालता है। तो हम उसका धन्यवाद करते हैं कि जब वो हमें इस तकलीफ़ से और इन परेशानियों से निकालता है, तो हम उसकी सुने और उसकी उसको अपनी ज़िंदगी में जगा दें, उसको अपने जीवनों में आने दें। क्यों ना हम अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगियों को उसके समर्पित करें, ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। वो आज भी हमारे जीवनों को चाहता है और हमारे जीवनों में कार्य करना चाहता है, लेकिन कमी सिर्फ एक ये है कि हम लोग उसके पास नहीं आना चाहते। अगर हम उसके पास आएंगे तो वो ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। और इस चीज़ को आप लोग सोच के देखिए कि जब कभी भी हम उसके सम्मुख आते हैं और वो जब हमारे जीवन में कार्य करता है, तो कितना सुख और कितना चैन आप लोगों की ज़िंदगियों में आता होगा, जो कि कभी आप लोगों ने भी एहसास करा होगा। हमने भी करा है, मैंने भी करा है, सभी के साथ होता है ये समय। जब प्रभु कार्य करता है तो हम उस चीज़ को लेते हैं, उसकी आशीषों को और उसकी बरकतों को। तो क्यों ना आज ही से हम इस चीज़ को माने और इस चीज़ पे सोच के अपनी ज़िंदगियों को चलाने वाले बन सकें कि प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करें। हम अपने जीवन को प्रभु को दें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके और हमें अपना आगे बढ़ाए, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी कमियों में और हमारी हर तकलीफ़ और मुसीबतों में हमको आगे लेकर के जाए। तो इस जो पूरा पोर्शन पढ़ा गया था, इसमें से हमने तीन बातें सीखी थी। एक तो आपसी भेदभाव था, जो यीशु ने ख़त्म करके सामरी स्त्री से पानी मांगा। दूसरा हमारा आत्मिक जीवन था, कि किस तरीके से हमारा आत्मिक जीवन होना चाहिए और कैसे हमें प्रभु के साथ आराधना में जाना चाहिए आत्मा और सच्चाई से। और तीसरा गवाही था, कि किस तरीके से प्रभु ने हमको, किस तरीके से हमें उभारा, कैसे हमें परेशानियों से निकाला। तो हम इन बातों को अपनी ज़िंदगियों में लेकर के चलें और हम इन बातों से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। प्रभु ज़रूर हमें आशीषित करेंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। मेरा सभी से ये निवेदन है कि जब हम कभी बाइबल पढ़ें तो नम्र होकर के, हलीम होकर के इसको पढ़ें, ताकि प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करे और हम उसके एक अच्छे और सच्चे बच्चे कहलाएं, जिससे कि उसकी प्रशंसा हो और उसकी स्तुति और महिमा हो। मैं इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी और आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि जिस तरीके से यीशु ने हमारे ऊपर रहम करा और हमारी ज़िंदगियों को चलाया, उसी तरीके से हम भी उसकी बातों पर अमल करें और उसकी बातों को मानने वाले बने, ताकि हमारी ज़िंदगियां खुशहाल हो सकें। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने ये मौका दिया कि तेरे वचनों में से कुछ मैं वचनों में से कुछ बता सकी। और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी लोग सर झुका करके बैठे हैं प्रभु जी, सबको तू आशीष देना। और पिता परमेश्वर, जब लोग तेरे पास आना चाहते हैं, अपने जीवनों को लाते हैं प्रभु जी, तो उनके जीवनों में प्रभु जी तू कार्य करना, ताकि वो तेरे सच्चे और एक भक्त, अच्छे भक्त बन सके। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी, हम इस लायक भी नहीं हैं कि तेरे पास आ सके, पर तू वो परमेश्वर है जो हमें
हर तकलीफ से हर परेशानी से निकालता है। पिता परमेश्वर, दीन और नम्र हो करके अपने सरों को झुकाते हैं और अपने हाथों को जोड़ करके पिता परमेश्वर तुझसे हम मांगते हैं कि तू हमें हमारे जीवनों को कार्य कर और हमारे जीवनों में परिवर्तन कर, ताकि हम तेरे मानने वाले और तेरे को जानने वाले बच्चे बन सके। पिता परमेश्वर, तेरे ही पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल फरमा के बख्श दे। आमीन।